नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये सबसे बड़ी खबर आज की है। तीन बार तेजस्वी यादव को सीबीआई ने समन कर दिया है। तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं, अब 24 घंटे के अंदर में सीबीआई उन पर फैसला ले सकती है। तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी को लेकर भी फैसला सीबीआई ले सकती है। ये कानूनी संबंध जो प्रक्रिया है उसमें तेजस्वी यादव का सहयोग नहीं हो पा रहा है। सीबीआई के समन के बावजूद तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पा रहे हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि जब किसी को समन किया जाता है वो नहीं पहुंचते हैं तो 2 से 3 बार के बाद जो एजेंसियां हैं वो कानूनी सलाह लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटका सकती हैं। तेजस्वी यादव आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? तेजस्वी यादव यहां सदन में मौजूद हैं। भाजपा द्वारा बताया जा रहा है, वो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि भाजपा ये प्रायोजित करके उनके खिलाफ काम कर रही है और सेंट्रल एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव जांच में कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं ऐसा सीबीआई कह रही है। लगातार बुलावे के बावजूद वो नहीं पहुंच रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव पर अब कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। खबर तो ये आ रही है कि अगले 24 घंटे के अंदर में सीबीआई तेजस्वी यादव पर लुकआउट नोटिस या फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी गिरफ्तारी कराने की बात शुरू करा सकती है। पूरा मामला क्या है जान लीजिए। दरअसल जमीन के बदले नौकरी घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तीसरी बार नोटिस के बावजूद पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय नहीं पहुंचे। सीबीआई इसे जांच में सहयोग के रूप में देख रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इससे पहले 4 मार्च और 11 मार्च को बुलाया गया था। नोटिस के बावजूद नहीं आने पर जांच में सहयोग के रूप में इसे प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। सोमवार को सीबीआई ने तीसरी बार नोटिस भेजा। तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए बुलाए गए लेकिन मंगलवार को भी वो हाजिर नहीं हुए। इसके पहले सीबीआई ने तेजस्वी को 4 मार्च को फिर बुलाया था, फिर 11 मार्च को बुलाया था, लेकिन इन समयों में भी वो नहीं पहुंच पाए। उन्होंने हवाला दिया था कि वो बहुत व्यस्त हैं और उनके पास फिलहाल समय नहीं है। उन्होंने आने में भी असमर्थता जताई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बार बार समन के बावजूद पूछताछ के लिए तेजस्वी का नहीं आना खुद के लिए समस्याएं बढ़ाने जैसा है। जांच में सहयोग के तौर पर इसे देखा जाएगा। ऐसे में एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वो किसी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई सलाह के तहत ले सकती हैं। तेजस्वी से असहयोग का हवाला देते हुए अदालत में पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया जा सकता है और ऐसे में कानूनी सलाह मशविरा के बाद एजेंसियां उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर सकती हैं। यानी सीधे तौर पर इसे इस तरह समझिए कि तेजस्वी यादव पर जो ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और जिस तरीके से उनके करीबी लोगों पर छापे पड़ रहे हैं, जो चीज़ें वहाँ से बरामद की जा रही हैं और बार बार तेजस्वी यादव जिस कॉन्फिडेंस से सदन में कह रहे हैं कि पंचनामा दिखाओ, हो सकता है कि सीबीआई अब इस पर एक्शन ले सकता है। बिल्कुल ये लगभग तय है कि सीबीआई अब प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और इसके तहत आने वाले 24 घंटे के अंदर में सीबीआई तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की प्रक्रिया को आगे बढ़वा सकती है, उसकी सिफारिश कर सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि 3 तारीख को, 11 तारीख को और फिर 13 तारीख को तेजस्वी यादव को समन किया गया था, वो नहीं पहुंचे और इसकी वजह से जो पूरा मामला है अब बिगड़ता नजर आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।